हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। 12 बाय 4.5 इंचेस का छोटू मोटू सा टुकड़ा लिया है, जिसे हमने नीचे कॉटन का अस्तर डाल के जोड़ के स्टिच कर लिया है। कॉर्नर पे 2 इंचेस पे मार्क किया है और कुछ इस तरीके से इसे दिया है शेप। सेम वही स्टाइल से हमने फोल्ड करके दूसरी साइड दे दिया है। अब हम यहाँ पे क्रॉस में लाइनें करते हुए स्टिच कर लेंगे। वाह क्या बात है। यहाँ पे सेम वही नाप से दूसरा पीसेस रेडी कर लिया और यहाँ पे हमने ले लिए हैं 12 बाय 4.5 इंचेस के 2 पीसेस क्विल्टेड किए हुए। अब हम यहाँ पे जिप को अटैच करेंगे, फिर करेंगे प्रेस स्टिच और ऐसे जोड़ लेंगे, फिर करेंगे प्रेस स्टिच। दोनों पार्ट हमने जोड़े, फिर करी है हमने प्रेस स्टिच। इसी के नाप से कॉटन का अस्तर कट किया और इसे हमने मेन पार्ट के साथ जोड़ा है और पॉकेट हमारा रेडी है। फिर हमने लिया है 18 बाय 3 इंचेस के 2 पीसेस, जिससे हम बनाएंगे बेल्ट। ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर लीजिए। वाह बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे आपको सेंटर में जितनी भी जगह रखनी है उतनी रख के हैंडल अटैच कर लीजिए। अब बॉटम पार्ट की बारी है, तो यहाँ पे देखिए 12 बाय 4 इंचेस का बॉटम पार्ट लिया है और इसे हमें यहाँ पे जोड़ना है मेन पार्ट के साथ। टॉप स्टिच कर लीजिए, फिनिशिंग आ जाएगी अच्छी। दूसरा पार्ट जोड़ लें, जिससे दोनों पार्ट हमारे अटैच हो गए। अब बारी आती है साइड की। यहाँ पे 4 बाय 4 इंचेस का स्क्वायर पीसेस हमने लिया है, देखिए क्विल्टेड है। इसे जोड़ के जिप को जोड़ लीजिए इसके साथ 4 इंचेस की, प्रेस स्टिच कर लीजिए। 2 पार्ट रेडी है। इसी के नाप से आप कॉटन अस्तर या नॉन विन कट कर लीजिए और इसे भी जोड़ के पॉकेट बना लीजिए। तो आप देख सकते हो हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब ये बचा कुचा जो कपड़ा था उसे हमने ले लिया। फिर क्या करना है, इसे दे दीजिए थोड़ा सा फिनिशिंग। 2 पार्ट में कर लीजिए डिवाइडेड और फिर हमने अच्छे से शेप दिया और ये जो जिप है वहाँ पे इसे हम ऐसे रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। देखिए जिप के साथ आपको ये छोटू मोटू पार्ट जोड़ के ऊपर की ओर फोल्ड कर लेना है। अब देखिए सेम यही तरीके से 2 पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम सेंटर में यहाँ पे स्टिच करेंगे। ऐसे देखिए दोनों साइड से, पहले नीचे की ओर फिर इसे ऐसे घुमाइए, ऊपर हल्का सा खुला रखिएगा और यहाँ पे पूरे तक आपको स्टिच नहीं करना है और थोड़ा सा खुला रख दीजिएगा। दोनों साइड हमने देखिए स्टिच कर लिया है। ऐसे ही सामने की साइड भी पॉकेट अटैच कर लीजिए। अब हम ऊपर का नाप लेंगे ताकि जिप वाला पार्ट हमें कितना लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हमने नाप लिया है तो 14 इंचेस आ रहा है। हम मार्जिन का 14.5 इंचेस लेंगे, मतलब 14.5 बाय 4 इंचेस का ये पार्ट हमने ले लिया है, जिससे जिप हमें अटैच करनी है इसीलिए सेंटर से कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद हमने जिप को अटैच किया उल्टा रख के, फिर प्रेस स्टिच, फिर दूसरा पार्ट लीजिए, ऐसे ही जोड़ दीजिए, रनर डाल दीजिए। अब हम ऐसे जोड़ेंगे, देखिए इसके ऊपर टॉप स्टिच करके हम ये ऊपर का जिप वाला पार्ट जोड़ देंगे। सेम वही तरीका आपको अपोजिट साइड अपनाना है, स्टिच करके जोड़ना है। देखिए दोनों साइड जोड़ने के बाद यहाँ पर हम मेन पैट के साथ अटैच कर लेंगे। है ना बढ़िया सा बैग, कर लीजिए सीधा और ट्रैवल बैग हमारा रेडी हो गया है। तो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, वंदे मातरम।